हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो हर बार की तरह आपका भाई इस बार भी एक जबरदस्त व्लॉग लेके आया हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ गुजरात का नंबर वन मॉल देखने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन। ये मॉल की अगर वध जाने तो इसका 1000 करोड़ का ये पूरा मॉल बनने वाला है। तो आपको पूरी डिटेल में वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर चैनल अच्छी लगे ना बॉस तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए व्लॉग आपको दे पाऊँ। तो आज के वीडियो में पूरा यहाँ की राइड दिखाता हूँ। ये है सोला रोड पे जाइडस हॉस्पिटल के सामने की साइड, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं एसजी हाईवे की सफर करके जाइडस हॉस्पिटल पे। मैं ये सफर को थोड़ा सा स्पीड में दिखाऊंगा क्योंकि इसके बाद आपको एसजी हाईवे टूर का एक जबरदस्त पूरा वीडियो मिलने वाला है जहाँ पे मैं सब अपडेट दूंगा एसजी हाईवे में क्या क्या अभी नया हो रहा है। तो ये वीडियो में मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताऊंगा कि कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका क्या वर्थ है और कब तक शुरू होगा। तो आगे वीडियो में देखते रहे। अगर ऐसे वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी बाइक की मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जाइडस हॉस्पिटल क्रॉस रोड। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इंडिया की जो प्रॉब्लम है, जो आप सबको पता है कि यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है। पता नहीं इतना बड़ा मॉल बना रहा है, क्या इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन शूटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने हर एंगल से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा शूटिंग करके आप सबको अपडेट दे पाऊँ। तो अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आगे आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर यहाँ की बात बताऊँ तो ये गुजरात का नंबर वन मॉल बनने वाला है। इसकी अगर लैंड की बात करूँ तो 9 लाख स्क्वायर फीट बिल्ट अप स्पेस है इसकी। सिर्फ 350 करोड़ का तो लैंड कॉस्ट है, यानी आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा कॉस्ट लगाया है। और इसकी टोटल वैल्यू होगी वो है 1000 करोड़। फिनिक्स मिल्स लिमिटेड ने बी सफल को ये काम दिया गया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अहमदाबाद मिरर का जो साइट है उसमें से ऑफिशियली आपको सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि ये सब सच रहे। तो फाइनली मैं आपको हर एंगल से दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। तो मेरे साथ वीडियो को देखते रहे। अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक मिलता है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो भी कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं।
सो मैं यहाँ से आपको सेकेंड एंगल पे दिखा रहा हूँ कि ये मॉल कितना बड़ा है और यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। इसके साथ में थर्ड एंगल पे भी मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला क्योंकि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी तो मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाया। तो वहाँ पे जाके मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। लॉकडाउन के बाद भी अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स इंडिया में अगर गुजरात में आते रहेंगे तो बहुत सारे जो लोगों के पास काम नहीं है वो भी ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो बहुत सारे वर्कर्स आप देख सकते हो यहाँ पे काम कर रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छे से बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है विद इन अ ईयर ये मॉल शुरू हो जाएगा। तो अल्फा वन से भी बड़ा मॉल ये बनेगा और पूरे गुजरात में ये फर्स्ट नंबर पे है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी ये मॉल बहुत ही अच्छा रैंक करेगा। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में इसके बाद।